झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को न्यायिक हिरासत में रांची के होटवार जेल भेजा गया है। ईडी ने 13 दिन की रिमांड के बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश किया। ईडी ने रांची के बड़गाई में 8.46 एकड़ जमीन को लेकर हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें 1 फरवरी को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में पेश किया गया। गिरफ्तारी से लेकर बुधवार तक ईडी ने हेमंत सोरेन से 13 दिनों तक पूछताछ की है। 3 बार में ईडी को 13 दिनों की रिमांड मिली है। 2 बार 5-5 दिन और 3 दिन की रिमांड ईडी को दी गई थी। ईडी ने हेमंत सोरेन की पीएमएलए कोर्ट में पेशी के दौरान कोर्ट को बताया कि पूछताछ के दौरान हेमंत सोरेन के सामने बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के मोबाइल से मिले 8.46 एकड़ जमीन के साक्ष्य को रखा गया, लेकिन उन्होंने पूछताछ में सहयोग नहीं किया। उन्होंने सही तथ्यों को सामने नहीं लाया। बरियातों के जिस 8.46 एकड़ जमीन पर अवैध तरीके से कब्जे की कोशिश मामले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है, उस पर हेमंत का कब्जा था, इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। ईडी ने अदालत को बताया कि 20 अप्रैल 2023 को ईडी को बड़गाई अंचल अधिकारी राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद सर्कल अमीन और अन्य की उपस्थिति में उस जमीन का सर्वे किया था। सबने ईडी को बताया कि वह जमीन हेमंत सोरेन की है। उस जमीन पर कंक्रीट और पत्थर की चारदीवारी की गई है। जमीन के केयरटेकर संतोष मुंडा ने भी ईडी को बताया कि जब चारदीवारी बन रही थी तब वह मजदूर था, बाउंड्री के बाद वह चौकीदार बन गया। वह 4,000 से 5,000 प्रतिमाह वेतन ले रहा था, बाद में यह राशि मिलने बंद हो गई। उसने बताया कि 2-3 बार हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जमीन पर आ चुकी हैं। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।